इस बार किसकी हवा है, यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं उम्मीदवार और आपकी भाजपा से प्रज्ञा ठाकुर हैं, तो क्या लग रहा है किसकी हवा ज़्यादा? मुझे तो मेरे हिसाब से तो जैसे पहले रहा है अभी भी, तो मुझे प्रज्ञा ठाकुर जी के इसमें तो कोई हिसाब किताब नहीं लग रहा है ऐसा कि प्रज्ञा ठाकुर रहे, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड पहले रहा है थोड़ा सा अलग टाइप का रहा। बाकी दिग्विजय साहब जो हैं वो पहले भी यहाँ रहे हैं, बाकी जनता निर्णय जिस हिसाब रही है अभी कमल जात जी हैं जैसे, तो मुझे उन्हीं के हिसाब से लगता थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अगर भाजपा से प्रज्ञा ठाकुर की जगह और कोई होता तो निकल सकती थी भाजपा किसी? बिल्कुल, मुझे लगता है शायद निकल जाती, बिल्कुल निकलती। इनको लाना गलत हुआ भाजपा के लिए? ये देखिए, वो उन लोगों के निर्णय हैं, वो तो बड़े लोगों को किस हिसाब से लेके चलते हैं। कहना सही है सर का, लेकिन पॉजिटिव देखा जाए तो मुझे तो प्रज्ञा ठाकुर का ही लग रहा है जी। निकल सकती है? निकल सकती है 100%। अच्छा, 5 साल आपने मोदी के देखे, कुछ विकास लगा हुआ है? विकास की बात की जाए तो वैसे विकास से अच्छा उन्होंने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया, मेन तो बात यह है पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया अपने वीर कमांडर अभिनंदन जी को भी, जो नामुमकिन था वो उसको इंडिया आना वो पॉसिबल कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक से अपना देश को, और जो पाकिस्तान में जो बहुत अपने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अभद्र भाषण और हिंदू का ये कर देंगे और इंडिया का ये, हम उसके हिसाब से बहुत अच्छा रहा मोदी जी का। और एक बात ये भी हो सकती है कि 5 साल का विकास देखा जाए तो यार आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा,